इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, तो हिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर लास्ट चैप्टर है, उसमें हम इसके सिक्स्थ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो वर्ल्ड जो प्रिंट का है इंडिया में कैसे आया और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई, लेट अस सी। व्हेन प्रिंटिंग बिगैन इन इंडिया, जब प्रिंटिंग भारत में शुरू हुई, एंड हाउ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वर रिटन बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, तो पहले जो प्रिंट के इससे पहले आइडियाज और इंफॉर्मेशन कैसे लिखी जाती थी। मोनोस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, मोनोस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखे हुए ये वाले पेजेस फ्रॉम गीता, गोविंदा ऑफ जयदेव 18th century, ये जो है गीत गोविंद एक पुस्तक थी 18th century में लिखी गई थी जयदेव के द्वारा, गीत गोविंद। दिस इज ए पाम लीफ हैंड रिटन मैनुस्क्रिप्ट इन अकॉर्डियन फॉर्मेट, अकॉर्डियन फॉर्मेट पे एक हाथ से लिखी हुई मोनोस्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जो इसके ऊपर हाथ से लिखा हुआ है, ये पाम लीफ का मतलब होता है ताड़ वृक्ष के पत्रों के ऊपर लिखा होता था पहले। और ये ऐसे चित्र बने हुए हैं और ये ऐसे लिखा हुआ है, देख लो ये अरबी में लिखा हुआ है, यहाँ पर है पेजेस फ्रॉम दीवान ऑफ हफीज 1824। हाफिज वाज ए 14th century पोइट, 14वीं शताब्दी का एक कवि था, हुज कलेक्टेड वर्क आर नोन एज दीवान, उसने जो काम किया था लिखा था उसको दीवान कहते हैं। नोटिस द ब्यूटिफुल कैलियोग्राफी एंड एलेबोरेट इलस्ट्रेशन एंड डिज़ाइन, इसके अंदर जो बहुत सुंदर सुंदर ये ऐसे लिखा हुआ है, ये फारसी में जब उर्दू में लिखा हुआ है तो उसका इलस्ट्रेशन कैसा है। मैनुस्क्रिप्ट लाइक दिस कंटिन्यूड टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिच अमीरों के लिए, ये जो ऐसी मोनोस्क्रिप्ट होती थी वो बनती रहती थी इवन आफ्टर द कमिंग ऑफ लेटर प्रेस, तो अक्षरों के प्रेस से बाद में भी ये ऐसे बनता था। ये ऐसे इसका ये फूलों वाला हाशिया बनाया हुआ है, डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसे साइड में ऐसे फूलों का डिज़ाइन ऐसे बनाया हुआ है। इंडिया हैड ए वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मोनोस्क्रिप्ट इन संस्कृत, तो संस्कृत में हाथ से लिखे हुए ताड़पत्रों पर लिखे हुए जो ऐसी चीज़ें आती थीं उनकी बहुत पुरानी ट्रेडिशन इंडिया की रही है। अरेबिक पर्शियन संस्कृत और अरेबिक में और पर्शियन में, पर्शियन का मतलब होता है फारसी भाषा जो ईरान में चलती है, अरेबिक जो अरब कंट्रीज़ में चलती है, जिसमें इसके दोनों के अक्षर सेम होते हैं लेकिन उसकी भाषा थोड़ी सी अलग है। तो संस्कृत जो है वो अक्षर हिंदी के होते हैं तो भाषा थोड़ी अलग है, तो हिंदी जो भाषा है वो उर्दू पर्शियन और अरबी और संस्कृत से मिलकर जो बनी है वो उर्दू है, उसमें अक्षर हिंदी के हैं, तो उर्दू में अक्षर जो अरेबिक के हैं तो भाषा उसकी हिंदी वाली संस्कृत वाली है। तो एज़ वेल एज़ इन वेरियस वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, जो आम भाषाओं में लिखे गए मतलब हैंड रिटन मोनोस्क्रिप्ट इंडिया के होते थे, मोनोस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन पाम लीव्स, इनको ताड़ के पत्तों पर कॉपी किया जाता था, और ऑन हैंडमेड पेपर या हाथ से लिखे हुए पेपर पर लिखा जाता था। पेजेस वर समटाइम्स ब्यूटीफुल इलस्ट्रेटेड, उनको चारों तरफ से इलस्ट्रेटेड किया होता था, यानी उनके पर हारशिया फूल वगैरह बनाए होते थे। दे वुड बी आइदर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स, उनको लकड़ी के कवर्स के बीच में प्रेस करके रखा जाता था, और सीउन टुगेदर, उनको सी के टू इंश्योर प्रिजर्वेशन, ताकि वो संभाले रहें, उनको सिया जाता था।
और जिल्दें बनाई जाती थी। मोनोस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड टिल वेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट के इंट्रोडक्शन के बाद भी मोनोस्क्रिप्ट बनाए जाते थे डाउन टू द लेट 19th century। तो 19वीं शताब्दी तक बनाए जाते थे। मोनोस्क्रिप्ट हाउएवर वर हाईली एक्सपेंसिव एंड फ्रिजाइल। जो मोनोस्क्रिप्ट होते थे बहुत महंगे होते थे और फ्रिजाइल का मतलब वो कटफट जाते थे जल्दी, उनकी आयु थोड़ी होती थी। दे हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली, उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। एंड दे कुड नॉट बी रीड इजीली, तो उनको अच्छी तरह से आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जैसे अब प्रिंट होता है ये जो अब ये वाला जो आप देख रहे हो, जो अल्फाबेटिकली ये ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो नीचे जो इसकी फोरग्राउंड है वो वाइट है। वाइट का मतलब जो कागज़ हम बनाते हैं उसको हम ब्लीच करते हैं, और ब्लीच करके उसके ऊपर ब्लैक स्याही से ऐसे डार्क लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा सुंदर पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पेपर है या जो भी इसका ग्राउंड में उसकी फोरग्राउंड में जो चीज़ें बनी हैं उसको अक्षर जो है इतने अच्छे तरह उभर कर नहीं आते थे। ये इसमें थोड़ा सा इतनी जगह से थोड़ा ये ओरिजिनल जो उसका पहले कलर रहा होगा वो ये वाला दिखाई दे रहा है। स्क्रिप्ट्स वाज रिटन इन डिफरेंट स्टाइल्स, सो मैनोस्क्रिप्ट्स वर नॉट वाइडली यूज्ड इन एवरी डे लाइफ। तो मोनोस्क्रिप्ट जो होते थे रोजाना लाइफ में नहीं होते थे, तो सिर्फ अमीर लोगों के पास होते थे। इवन द प्री कलोनियल बंगाल हैड डेवलप्ड एन एक्सटेंटिव नेटवर्क ऑफ विलेज प्राइमरी स्कूल्स। तो बंगाल में बहुत पहले से कलोनियल रूल से बहुत पहले से प्राइमरी स्कूल्स जो थे बहुत अच्छी तरह से उनका एक नेटवर्क था। स्टूडेंट्स वेरी ऑफन डिड नॉट रीड टेक्स्ट, तो आम बच्चे जो होते थे वो टेक्स्ट को पढ़ते नहीं थे। दे ओनली लर्न्ड टू राइट, उनको लिखना सीखना पड़ता था या लिखना सीखते थे। दे ओनली लर्न टू राइट टीचर्स डिक्टेटेड पोर्शंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम मेमोरी। तो जो अध्यापक होते थे अपने याद किए हुए वाक्य उनको डिक्टेट कराते थे, उनको बोल बोल के बताते थे। और देन स्टूडेंट्स रोट देम डाउन, तो उनको बहुत कैलीग्राफी में बहुत अच्छे तरीके से उनको बच्चे जो थे वो लिखते थे। मैनी दस बिकेम लिटरेट विदाउट इवर एक्चुअली रीडिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े लिखे बन गए, साक्षर बन गए, जबकि उन्होंने पुस्तक से कुछ नहीं पढ़ा। यानी जो पढ़ाना होता था वो सिर्फ टीचर जो होता था उसने सारा कुछ वो सारा जवानी याद किया होता था, और जवानी हो से वो ऐसे बच्चों को डिक्टेट कराते थे और बच्चे जो थे उनको लिखना सिखाया जाता था अच्छी तरह से, तो वो लिखते थे। तो ये है पेज फ्रॉम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ये डार्क कलर का है, इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट ऐसे दिखता है पीछे जो संस्कृत में लाइन्स लिखी हुई हैं। हैंड रिटन मैनोस्क्रिप्ट कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टिल मच आफ्टर द कमिंग ऑफ प्रिंट। प्रिंट के बाद संस्कृत में मैनोस्क्रिप्ट लिखी जाती रही। दिस मैनोस्क्रिप्ट वाज प्रोड्यूस्ड इन द 18th century इन द मलयालम स्क्रिप्ट। ये मलयालम में लिखा हुआ है। तो